Welcome dear learners, I am Mr. Abhijit. Welcome to my channel Chemistry Learners. हम इस लेक्चर में देखेंगे पीरियोडिक टेबल कैसे बनाए। तो इस पीरियोडिक टेबल में जो कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है कि पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, वो हम डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसमें आप देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, देन मेकिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल, देन पीरियोडिक टेबल टूडे and what are the periodic laws. So let us see one by one. So this is the journey of periodic table. So if you consider the history, in 1789 Antony Lavoisier, इन्होंने periodic table का पहले जो elements लगते हैं 33 elements उन्होंने publish किए थे। उसके बाद ये first scientist थे, इन्होंने इस elements को group किया था। तो इसमें गैसेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड अर्थ मेटल्स, उनको क्लासिफाई किया। उसके बाद उन्होंने एक एक्सटेंसिव लिस्ट बनाई थी, ही रोट द फर्स्ट एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। देन एज यू नो दिस एंटोनी लवाइजर, सर एंटोनी लवाइजर इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। सो तो ये हो गया 1789 का। नेक्स्ट वाला इन 1829, अगर आप देखोगे तो डोबेराइनर, आपने शायद इनका नाम सुना है, डोबेराइनर, डोबेराइनर स्प्राइड। ओके, तो 1829 में डोबेराइनर ने एलिमेंट्स को ग्रुप किया था तीन तीन के हिसाब से। ओके, उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था, सो अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। देन अरेंज्ड बाय एटॉमिक वेट, तो इन्होंने एटॉमिक वेट के हिसाब से वो जो एलिमेंट्स थे तीन एलिमेंट्स उनको ग्रुप किया। तो उन्होंने ये देखा कि सेकंड मेंबर ऑफ ईच ट्रायड वाज रफली द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। जो बीच वाला एलिमेंट्स था, उस बीच वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो रफली एन एवरेज ऑफ द फर्स्ट और एंड थर्ड एलिमेंट। तो ये वेल नोन था किस नाम से, लॉ ऑफ ट्रायड्स बाय डोबेराइनर। देन उसके बाद में 1843 को लियोपोल्ड गेमलिन, इन्होंने 10 एलिमेंट का मतलब 10 ट्रायड्स फाइंड आउट किए, जिसमें था तीन ग्रुप, थ्री ग्रुप्स ऑफ फोर एंड वन ग्रुप ऑफ फाइव, ऐसा उन्होंने एक आइडेंटिफाई किया था ट्रायड्स। उसके बाद इन 1862 अलेक्जेंडर इमिल, इन्होंने जो अर्ली फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल था वो पब्लिश किया था, मतलब हाउ दिस पीरियोडिक टेबल इज अरेंज, उसका जो अर्ली फॉर्म है वो उन्होंने पब्लिश किया था। इसमें उन्होंने क्या कहा था उसको, टेलोरिक हेलिक्स और स्क्रू, उसको उसको नाम दिया था। उसके बाद ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन नोटिस द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हम आज के पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ या फिर पीरियोडिसिटी होती है, मतलब वेदर दे आर हैविंग पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये पहले इन्होंने नोटिस किया था अलेक्जेंडर इमिल। देन ही अरेंज एलिमेंट्स इन अ स्पाइरल और ऑन अ सिलेंडर बाय ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। वह उस टाइम सिर्फ एटॉमिक वेट को ही कंसिडर किया था, उन्होंने क्या किया ये एलिमेंट्स को एक स्पाइरल पे, स्पाइरल ऑन अ सिलेंडर बाय ऑर्डर उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर उसको अरेंज किया। देन इन 1864 जूलियस लॉथर मेयर इन्होंने फिर से एक 28 एलिमेंट्स का टेबल पब्लिश किया था। देन ही अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट एंड दैट डिड नॉट एग्जैक्टली फिट द ऑब्जर्व पीरियोडिसिटी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी। इन्होंने ये उनका जो ऑब्जर्वेशन था, इन्होंने जब एटॉमिक वेट से उसको अरेंज किया प्रॉपरली, तो अरेंज करने के बाद इन्होंने ये देखा कि ये एग्जैक्टली फिट नहीं करता है टू द ऑब्जर्व पीरियोडिसिटी ऑफ द
केमिकल एलिमेंट्स एंड ही गेव द प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी. सो उस वक्त वैलेंसी जो थी, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, दैट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो डिस्कवर हुआ था. तो वैलेंसी के बेसिस पे इन्होंने वो एलिमेंट्स को अरेंज किया था, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मैटर. देन इन 1863 to 1866 जॉन न्यूलैंड्स, इन्होंने जॉन न्यूलैंड्स, आपने न्यूलैंड्स का नाम सुना है. एलिमेंट्स वेयर लिस्टेड इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट. देन सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ट्रिगर एट इंटरवल ऑफ एट. ये आपको ये आर्ट और ये न्यूलैंड, इन्होंने इसके हिसाब से आपको ये समझ में आएगा कि दिस इज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. तो ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ये किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था. तो न्यूलैंड्स ने क्या किया था, जो एलिमेंट्स है उनको अरेंज करने के बाद इन्होंने ये देखा कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है वो रिकर्ड एट द इंटरवल, सेम प्रॉपर्टीज उसको उनको दिखाई. देन इन 1867 गस्टेव्स हिंड्रिक्स, इन्होंने एक स्पाइरल पीरियोडिक सिस्टम पब्लिश की and that is on the basis of atomic spectra, atomic weight and chemical similarities. उसके बाद 1869 to 1870 and 1871 both of these scientists, that is Dmitri Mendeleev and Lothar Mayer, इन्होंने independently उनके periodic table publish की. मतलब Mendeleev, इन्होंने उनका खुद का एक पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया और जूलियस लॉदर मेयर, इन्होंने एक उनका पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया. तो उन्होंने ये जो एलिमेंट्स की लिस्टिंग थी, दे हैव दे बोथ कंस्ट्रक्टेड देयर टेबल्स बाय लिस्टिंग द एलिमेंट्स इन रोज और इन कॉलम इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट. तो इन दोनों ने भी क्या किया, एटॉमिक वेट के हिसाब से ही उसको टेबल में, रो में या फिर कॉलम में फिट की. उसके बाद मेंडेलीव वाज द फर्स्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज यूजिंग द ट्रेंड इन हिज पीरियोडिक टेबल टू प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज. ही वाज द फर्स्ट पर्सन कि इन्होंने एक ट्रेंड दिया था कि इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड जो होता है पीरियोडिक टेबल में, वो इन्होंने पब्लिश किया था. उसके बाद में मेंडेलीव ने एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मिसिंग एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट. तो जो एटॉमिक वेट के बेसिस पे जो मॉलिक्यूल्स या फिर जो एलिमेंट्स थे उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या फिर उनकी मिसिंग प्रॉपर्टीज थी, वो उन्होंने ढूंढ के निकाली. उसके बाद मेंडेलीव नेम द मिसिंग एलिमेंट्स बाय संस्कृत न्यूमेरिकल्स. एट दैट टाइम ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने वो संस्कृत न्यूमेरिकल्स यूज करके वो एलिमेंट्स के, मिसिंग एलिमेंट्स के नंबर दिए थे. जैसे कि नंबर आप देख सकते हैं, एका मतलब वन, द्वि मतलब टू एंड ट्राई मतलब थ्री. उसके बाद इन 1913 हेनरी मोस्ले, तब हेनरी मोस्ले इन्होंने बहुत रिमार्केबल काम किया था उस वक्त कि ही डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ईच एलिमेंट. न्यूक्लियर चार्ज मतलब द चार्ज ऑन न्यूक्लियस उन्होंने फाइंड आउट किया था और उनको ये पता चला कि न्यूक्लियस का चार्ज, इसका मतलब प्रोटॉन का काउंट होता है और उसी का मतलब होता है एटॉमिक नंबर. अब देखो यहाँ से पूरा सिनेरियो चेंज हो गया. टिल 1913 व्हाट हैपेंस दैट एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू अरेंज पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास. जब हेनरी मोस्ले ने न्यूक्लियर चार्ज फाइंड आउट किया तो उनको ये पता चला कि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि प्रोटॉन का काउंट कितना है उस एलिमेंट में और दैट इज द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. तो उन्होंने एटॉमिक नंबर ढूंढ के निकाला और उनको ये पता चला कि एटॉमिक नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इज डिफरेंट. अलग अलग एलिमेंट के एटॉमिक नंबर अलग अलग हो सकते हैं, होते हैं, और जो एटॉमिक वेट होता है वो दो एलिमेंट का सेम भी हो सकता है ना.
एटॉमिक नंबर इज द फैक्चुअल बेसिस ऑफ द ऑर्डरिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये इन्होंने रिमार्केबल काम 1913 में किया था। उसके बाद हॉरेस ग्रोस डेमिंग, इन्होंने 1923 में ही पब्लिश्ड शॉर्ट, मतलब मेंडेलियन स्टाइल का एक पीरियोडिक टेबल और एक दूसरा पीरियोडिक टेबल जो 18 कॉलम का पीरियोडिक टेबल होता है, जो लॉगरमेयर ने बनाया था, उन्होंने वो दो पीरियोडिक टेबल पब्लिश किए। और एक मर्क एंड कंपनी थी, उन्होंने उसके हैंडआउट्स प्रिपेयर किए और वो कॉलेजेस में बांट दिए, है ना। तो जो ये 18 कॉलम का जो मीडियम पीरियोडिक टेबल था वो 1928 में ये डेविंग्स ने, उन्होंने क्या किया, उसके हैंडआउट प्रिपेयर किए और वो कॉलेजेस में या फिर अमेरिकन स्कूल्स में उसको वाइडली सर्कुलेट कर दिया और उनको वहां पे बहुत सारी पॉपुलैरिटी भी मिली थी। बिकॉज बाय द 1930 डेविंग्स टेबल वॉज अपियरिंग हैंडबुक्स एंड इनसाइक्लोपीडियाज ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद ये लास्ट वाला था जो इन्होंने ग्लेन सीबर इन 1945 इन्होंने एक सजेशन दिया था कि एक्टिनाइड एलिमेंट्स वेयर फील्ड इन एफ सब लेवल। तो एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स इन्होंने बताया था कि बिफोर दैट व्हाट हैपेंस कि जो ये एक्टिनाइड्स थे ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में प्लेस किए थे। तो इन्होंने कहा कि एक्टिनाइड एलिमेंट्स फाइंड आउट किए हैं, इन्होंने एक्टिनाइड एलिमेंट को ढूंढा है, तो इस हिसाब से ये एक्टिनाइड्स भी क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है या फिर ये एफ की सब लेवल फिलअप करते हैं। तो इन्होंने ये बताया था, तो वो वाइडली सर्कुलेटेड दैट ऑल्सो इन द अमेरिकन स्कूल एंड वोन द 1951 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर हिज वर्क इन सिंथेसाइजिंग एक्टिनाइड एलिमेंट्स। बहुत तो एक इनकी सिंपल स्टोरी है बिहाइंड दिस नोबेल प्राइज। इनको इनके जो कलीग्स थे, इनके कलीग्स ने कहा था कि ये जो आपने एक्टिनाइड एलिमेंट्स का बताया है कि ये पब्लिश आपने जो किया है ये वर्क, इसको वापस ले लो, नहीं तो आपके ऊपर आपका करियर खराब हो जाएगा या फिर आपके ऊपर केस भी हो सकती है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जो सिंथेसाइज किया है या फिर मैंने जो ये सजेस्ट किया है वो एक्यूरेट है, और उसके एग्जैक्टली पांच छह साल बाद उनको उसमें नोबेल प्राइज मिला। सो दिस इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। हम अब देखेंगे कि डिफरेंट पीरियोडिक टेबल्स, आज तक जो कुछ पीरियोडिक टेबल्स बने तो वो कैसे बने। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग उसको डिजाइन करने की कोशिश की थी। ये अलग अलग पीरियोडिक टेबल्स के हम डिजाइन देखेंगे। ये सारे डायग्राम्स गूगल इमेजेस से हम डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये इमेजेस मैंने लिए। तो ये पीरियोडिक टेबल हो गया, लॉगरमेयर ने 1864 में एक पीरियोडिक टेबल बनाया था, या फिर उसके बाद मेंडेलियव ने 1904 में एक पीरियोडिक टेबल बनाया था जहाँ पे आप मिसिंग एलिमेंट्स भी देख सकते हैं, डैश डैश लिखा है यहाँ पे। उसके बाद वर्नर्स पीरियोडिक टेबल था, उसके बाद ये मेंडेलियव ने बनाया हुआ पीरियोडिक टेबल था। सो दिस इज स्पाइरल पीरियोडिक टेबल, इट इज पॉलीएटॉमिक, 1964 में इसको बनाया था पीरियोडिक टेबल को। ये न्यूलैंड्स का रिवाइज पीरियोडिक टेबल था, वो 2010 में इन्होंने बनाया था। देन मेंडेलियव ने फ्लावर टाइप पीरियोडिक टेबल, थ्री डायमेंशनल पीरियोडिक टेबल बनाया था। उसके बाद पीरियोडिक टेबल इन बाइनरी इलेक्ट्रॉन शेल लेआउट बाय इरिक विलियम, इन्होंने बाइनरी इलेक्ट्रॉन शेल का एक पीरियोडिक टेबल बनाया था। देन अल्टरनेटिव सर्कुलर पीरियोडिक टेबल, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस डायग्राम दैट एट दैट टाइम दैट वाज डिस्कवर्ड। पीरियोडिक टेबल स्पाइरल फॉर्म बाय जैन स्कॉल्टिन। देन रिंग ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स, जिसको हम ट्रोप कहते हैं, है ना, आप देख सकते हैं ये तो। देन सर्कुलर फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, देन कर्ल रिबन पीरियोडिक टेबल, जेएफ हाइट उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था। देन स्पाइरल पीरियोडिक टेबल बाय रॉबर्ट डब्ल्यू हैरिसन। देन दिस इज 4D पीरियोडिक टेबल, स्टो जैनेट सेवी।
और ये एक पीरियोडिक टेबल। देन लेफ्ट स्टेप पीरियोडिक टेबल, इसमें आप एक देख सकते हैं, लेफ्ट स्टेप मतलब हाइड्रोजन हीलियम आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए, है ना। आज के पीरियोडिक टेबल में हम ये एलिमेंट सारे कहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, और ये अलग ही दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे सब F ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल और S ऑर्बिटल दिया है, उस हिसाब से इसको अरेंज किया है। तो आज के वक्त में जो पीरियोडिक टेबल है वो देखते हैं हम। आज का जो पीरियोडिक टेबल है उसको हमने अरेंज किया है, दैट वाज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। देन टुडेज पीरियोडिक टेबल इज हैविंग 7 रोज, दैट इज कॉल्ड एज पीरियड्स। Then it is having 18 columns, that is called as groups, and 4 blocks are there, that is S, P, D and F block. Also, these elements have same electronic configuration in the same group. अगर आप column consider करोगे, column को हमने group कहा है, column में जो elements होता है उनके electronic configuration में last shell जो होता है उसमें जितने electrons होते हैं वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन अ सेम ग्रुप। सो दिस इज द टुडेज पीरियोडिक टेबल इन विच यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट एलिमेंट्स आर देयर, डिफरेंट ब्लॉक्स आर देयर। एट द बॉटम यू कैन सी दिस इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, देयर आर टू पीरियड्स दैट आर बिलोंग्स टू 6 and 7। ओके, तो इसको वन बाय वन देखेंगे हम। इसमें क्या क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट, देन P ब्लॉक एलिमेंट्स, ये P ब्लॉक एलिमेंट है। देन इट इज D ब्लॉक एलिमेंट जो एट द सेंटर होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं हम इसको, एंड एट द लास्ट F ब्लॉक एलिमेंट्स, सो इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। सो व्हाट इज S ब्लॉक, S ब्लॉक कंटेन्स ग्रुप 1 and 2। ये जो आप ग्रुप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रुप के नंबर, जैसे हमने कहा था कि ग्रुप या कॉलम कहते हैं उसको, कॉलम कितने हैं, 18 कॉलम है, और पीरियड्स कितने हैं, 7 पीरियड्स। तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप अगर आप देखोगे तो वो ईएस ब्लॉक है, ये दो ग्रुप जो देखोगे आप, ये दो ईएस ब्लॉक है। देन पी ब्लॉक इज ऑक्यूपाइड बाय 13 to 18, यहाँ पे आप 13 to 18 मतलब ये जो लास्ट वाले जो है नोबेल गैस एलिमेंट्स, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये पूरा जो यहाँ पे ये पोर्शन दिख रहा है आपको 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक, ये सारा P ब्लॉक एलिमेंट्स। देन D ब्लॉक एलिमेंट्स 3 to 12, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3, यस स्कैंडियम से, 12 मतलब जिंक, तो ZN, ये पूरा 3 to 12 तक ये पूरा D ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये D ब्लॉक के अंदर ही क्या है, F ब्लॉक एलिमेंट्स है। एट द बॉटम हम इनको लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स कहते हैं। सो लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हाई इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर आप देखोगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनके अंदर जो एलिमेंट्स है और ये है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें भी हम शेल्स देख सकते हैं, शेल के हिसाब से इनको अरेंजमेंट किया है। तो कैसे, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, फर्स्ट पीरियड अगर आप देखोगे, जो 7 पीरियड हमने देखे है, तो फर्स्ट पीरियड में आप देखोगे के शेल है, सेकंड पीरियड में आप देखोगे कि एल शेल कंटेनिंग एलिमेंट्स है, थर्ड पीरियड में आप देखोगे एम शेल के एलिमेंट्स, और फोर्थ पीरियड है इसमें एन शेल कंटेनिंग एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट। सो इन दिस लेक्चर this is the remaining part, that is periodic laws. So atomic number nowadays is the basis of periodic laws. You can say that atomic number is the priority or consideration for this periodic table. So similar properties recur periodically when elements are arranged according to increasing atomic number. Then similar properties are everywhere ऑन पीरियोडिक टेबल। आप अगर कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम या फिर आप कोई भी ब्लॉक कंसिडर करोगे तो प्रॉपर्टीज आपको सेम ही दिखेगी। देन एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक, है ना भाई। जैसे हमने कहा था कि 7 पीरियड से
उनके कैरेक्टरिस्टिक एक सिंगल पीरियड में सेम होगी। सो इन दिस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, द मेकिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल टुडे एंड व्हाट आर द डिफरेंट पीरियोडिक लॉज। दिस इज ऑल अबाउट द पीरियोडिक टेबल एंड इट्स हिस्ट्री एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस टेबल। थैंक यू।